वेलकम बैक गाइस मेरे चैनल पर। आज हम इस वैक्यूम क्लीनर का रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि यूरेका फोब कंपनी का है। उसका हम आज रिव्यू करने जा रहे हैं। रिव्यू करने से पहले गाइस, आप सभी जो मेरी वीडियो को देखते हो, अच्छी लगती तो लाइक करें, और नए मेरे चैनल पर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने रिक्वेस्ट है। इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा इसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं। इसके साथ डेमो फ्री सीडी मिलती है, वो भी आप देख सकते हो। और ये आ गया इसका बुकलेट, ऐसे सिंपल सी एक दी हुई है, और इसमें आपको सभी अटैचमेंट और कैसे यूज़ करना है ये बताया होता है। इसमें पहली आ गई इसकी पाइप, ये अटैचमेंट गाइस जो हमारे सोफ़ा है कपड़े वाले, वो गाड़ी कार की सीट होगी वो, और हमारे गद्दे उसको आप साफ़ कर सकते हो, डस्ट उसके निकाल सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से करता है ये अटैचमेंट, उस चीज़ के लिए यूज़ होती है। और ये पाइप आ गई बड़ी करने को, ये पाइप दो मिलती हैं, जैसे आपके दीवार में जाला लगा हुआ है, स्पाइडर है, आप इसको अटैचमेंट बड़ी करके, आपको वो भी दिखा दूंगा, आराम से निकाल सकते हो। बेड के नीचे करनी है पाइप को अटैच करके, बड़ा करके आराम से इजीली साफ़ कर सकते हो। और ये होगी गाइस, ये आ गया बट एक और अटैचमेंट जो कि आप अपने फ्लोर क्लीन कर सकते हो। ये इसका बटन दिया हुआ है, इसको जैसे आप प्रेस करोगे एक ये आएगा बाहर, एक ये रबड़ आएगी बाहर, जो कि ये झाड़ू का काम करेगा। आप फ्लोर को क्लीन कर रहे हो, झाड़ू जैसा काम करेगा ये, और ये सक्शन खींच लेगा डस्ट को, और ये डस्ट को पीछे नहीं जाने देगा, यहीं पर रखेगा, सीधा ही सक्शन के अंदर जाएगा, डस्ट बैग के अंदर जाएगा। इसको बंद कर लोगे और कारपेट आप आराम से इजली क्लीन कर सकते हो। ठीक है जी, इसका हो गया। तीसरी अटैचमेंट आ गई जी, सीधा ही अटैच होगी, इसको भी अटैच करके सारे पार्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा वन बाय वन करके। ये यूज़ होगी आपके लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर हो गया, कीबोर्ड, उसको क्लीन करने करने के लिए होगी यूज़, और जैसे आपके फोटो फ्रेम हो गए उनको यूज़ करने के लिए होगी। ये अटैचमेंट आ गई, ये ब्लोवर के लिए है, ये भी अटैच करके दिखाऊंगा। और एक ये अटैचमेंट आ गई नोजल जैसी, जो आपके सोफ़े होते हैं, सोफ़े को साइड साइड कॉर्नर में आप बिल्कुल आराम से क्लीन कर सकते हो। गाड़ी की सीट होगी उसको क्लीन कर सकते हो, जो स्लाइड वाली विंडो आती है उसमें नीचे डस्ट इकट्ठी हो जाती है, उसको आराम से क्लीन कर सकते हो इस नोजल से। एक ये अटैचमेंट आ गई। अब आ गई मशीन, ये डेमो सीडी जो फ्री मिली हुई है, जो इन्होंने लिखा हुआ था बाहर बॉक्स में भी। इसको मैंने बेल्ट जो इसकी है, आप आराम से इसको शोल्डर में लगाकर, गाड़ी साफ करनी है, घर का सोफा करना है, आराम से शोल्डर से लगाकर इसको कर सकते हो, इसको बड़ी छोटी कर सकते हो अपने अनुसार। और ये बेल्ट आपको अलग ही मिलेगी, अटैच नहीं मिलेगी, मैंने अटैच की है, आराम से आप उतार भी सकते हो, हाथ से पकड़ के भी यूज़ कर सकते हो। पहली तो इसकी लुक बहुत ही अच्छी है, कलर बहुत ही अच्छा है, आराम से आप थोड़ा सा भी गीला कपड़ा लगाते हो ना इसको बिल्कुल नया जैसा हो जाता है। और ये आ गया इसका ऑन ऑफ का बटन, ठीक है जी। और ये वाला जो बटन है, ये इसमें आपका खुलेगा डस्ट बैग, जहाँ पर इसको प्रेस किया ये आ गया डस्ट बैग। ये आ गई आपकी मोटर, जो कि जो ये वाली मोटर है इसकी 800 वाट की है, 800 वाट की मोटर है, 800 वाट की मोटर है। यहाँ से आपकी अटैचमेंट होंगी सभी चीज़ें, और ये आपको डस्ट बैग है आपका। अब इसको थोड़ा सा ऐसे करके निकालेंगे, ऐसे लगा देना है इसको,
अटैच हो गया। अब आपने इसको लगाना है, इसको लगाना है पहले नीचे वाला लॉक। अब इस मशीन के साथ जैसे ये है अटैच करोगे, फिर ये वाला लॉक अटैच हो जाएगा। कैसे? ऐसे करके इसको प्रेस किया, ये हो गया। इसको फिर छोड़ना है, फिर लॉक होगा, ठीक है जी। और ये सक्शन का काम करेगा आगे वाला, और ये पीछे ब्लोवर का काम करेगा। ब्लोवर जैसे आपके गार्डन है पत्तों को दूर करने के लिए, सोफे सोफा है आपके, डस्ट करनी है एक एक साइड में और दूसरी साइड डस्ट सभी आ गई, उसको आराम से क्लीन कर लिया। बलून बलून आराम से इसको ब्लोवर से आप फुला सकते हो, इसका ये भी काम है। और अब बाकी इसकी वायर, जो इसकी वायर दी हुई है गाइस वो 5 मीटर दी हुई है, इसकी वायर काफ़ी बड़ी है। हम पहले अटैचमेंट लगाते हैं, लगा दिया, इतना अंदर चला गया और अब ये लग गया। जैसे बहुत ही ज़्यादा डस्ट है आप सीधा इससे उठाओ, दीवार पर स्पाइडर हैं इसको अटैच कीजिए, एक ये अटैच होगी। अब दूसरी पाइप को, इसकी जो पाइप की क्वालिटी है ना बहुत ही अच्छी दी हुई है, और ये होगी मतलब दोनों पाइप को मिलाकर 2 फुट का मेरा पत्थर है, 2 फुट से लंबी हो जाती है ये। बस इसको नहीं, मतलब इसको निकाल दूँ, ये 2 फुट से थोड़ी बड़ी है पाइप, दोनों को अटैच कर देते हैं। अगर हम दीवार पर आपके जाले लगे हुए हैं, स्पाइडर को क्लीन करना है, इसको आराम से लगाएं, ये नोजल को आराम से क्लीन कर लें, नहीं तो सीधा ऐसे ही कर सकते हैं। और देखो ये हो गया आपके गाड़ी का, सोफे का साफ करना हो कॉर्नर आराम से अंदर चला जाएगा, और स्लाइड वाली आपकी विंडो होगी उसके उसके अंदर जो डस्ट चली जाती है उसके आराम आराम से उसके अंदर चला जाएगा, बिल्कुल डस्ट क्लीन कर देगा। ये आ गई अटैचमेंट। अब मैं आपको ये सारी पाइप अटैचमेंट उतार देता हूँ। अब इसमें लगा के दिखाता हूँ। ये गाइस ये भी स्विच का जो काम है, जैसे कई सोफे होते हैं या कोई बेडशीट होती है, आप अगर गद्दे गद्दे को साफ कर रहे हो, मैट्रिक कपड़े साफ कर रहे हो, उसमें हल्का लगा हुआ है कपड़ा, इसकी सक्शन थोड़ी सी कम कर सकते हो ओपन करके। ये देखो ओपन करके सक्शन इसकी कम हो जाएगी, डस्ट लेकिन बाहर भी आ सकती है, बस ये थोड़ा सा आप कम कर सकते हो। और इसको ऐसे बंद कर दो, सक्शन ज़्यादा हो जाएगी, बस ये इसको थोड़ा सा ओपन कर दो, सक्शन कम हो जाएगी, कपड़े का फटने का डर नहीं होगा। ये छोटी अटैचमेंट आ गई। अब दिखाया गद्दे सोफा कार की सीट साफ करनी हो, बहुत ही अच्छा कर देता है, बहुत ही सही क्लीन कर देता है। और ये आ गया बड़े वाला, इसके साथ आपको ये आपको मैं बताना भूल गया, ये व्हील भी है, ये को दो मतलब ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, आपको घूम के दिख रहे हैं, हाँ ऐसे काम करेगा ये। और इसको यूज करके दिखाऊंगा आपको। अब आ गया गाइस, हम इसको निकाल लेते हैं, और ये आ गया आपका सिस्टम, कीबोर्ड साफ कर लो, लैपटॉप का कीबोर्ड साफ कर लो, और फ्रेम फोटो फ्रेम साफ कर लो, बस इसके इसको ऐसे सीधा अटैच करके ऑन करके सीधा कर सकते हो आप, ठीक है जी, सीधा ही अटैच होगा। और अब ब्लोवर का देख लेते हैं। ब्लोवर का गाइस ये रहा ब्लोवर,
ब्लोवर का आपने ये समझना है, ये दिया हुआ है यहाँ पर लॉक और अनलॉक, ये लॉक है ये अनलॉक है। अब हमने क्या करना है, इसको अटैच करना है सीधा अनलॉक की तरफ डाल कर इसको ऐसे लेफ्ट की तरफ घुमा देना है तो ये लॉक हो जाएगा। मतलब कैसे, इसको डाला ऐसे, डाला सीधा अंदर, फिर इसको ये आ गया लॉक हो गया। और अब इसके साथ अटैच कर सकते हो ये वाली, ये हो गया अटैच। अब ये ब्लोवर का काम करेगा। इसकी ना जो वायर दी ना बहुत ही बड़ी ज़्यादा दी हुई है, बहुत ही अच्छा है ये, क्या आप आराम से घर में एक कोने में वायर लगा कर पूरे रूम को घूम कर साफ कर सकते हैं। ये आ गया ब्लोवर का, ठीक है जी। ये ब्लोवर तो दिखा दिया कि ऐसे काम करता है। इसके साथ अब कौन सी भी अटैचमेंट लगानी हो, इसके साथ तो सीधी ये दो पाइप्स जो है वो लगेगी डस्ट को गार्डन में पत्तों को हटाने के लिए बड़ी करके पाइप ये वाली, और दूसरी लगेगी नोजल, नोजल ये नोजल लगेगी डस्ट को फेंकने के लिए, ब्लूम फैलाने के लिए। मतलब नीचे की तरफ है बेड के नीचे की, आपने एक साइड से डस्ट दूसरी साइड करनी है। मैं इस रोड इस अटैचमेंट दोनों को लगाया और आगे नोजल लगा दी, फिर तीखी हवा मारेगा और डस्ट एक साइड आ जाएगी। ब्लूम फैलाने के लिए सीधा लगाओ उसको इसी अटैचमेंट के साथ और ब्लूम फैला सकते हो, और आप उसका भी रख सकते हो। ये ध्यान, ये ब्लून फैलाने के लिए भी बहुत काम आता है गाइस। ये थोड़ा सा इसको कम कर दो क्योंकि ये जैसे चलेगा बहुत ही तेज चलता है, इसकी जो पावर है तेज बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, और इसको थोड़ा सा कम करने के लिए डाउन कर लो, जितना कम करना है उतना कर सकते हो, आराम से ब्लून फैला सकते हो। नहीं ऐसा नहीं कि आपने ऑन किया ब्लून हो गया फट गया आपका ब्लून, ऐसे नहीं होगा। उसको सही से फैलाने के लिए आप थोड़ा सा नीचे कर लेना अगर ऐसा होगा तो। और अब हम सक्शन का काम करते हैं, डस्ट उठा कर दिखाते हैं आपको, फिर डस्ट बैग को कैसे क्लीन करना वो भी बता दूंगा आपको। डस्ट बैग को ऐसे साफ क्लीन करना गाइस। अब हम इस कारपेट में आ गए हैं, तो ये कारपेट गाइस इससे हम क्लीन करेंगे, ब्रश नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो ब्रश लगाएंगे जो ये वाला थोड़ा पोर्शन होता है वो उसको ख़राब करेगा, इसको डायरेक्ट ही इससे क्लीन करेंगे, करने जा रहा हूँ इसको क्लीन करके दिखाऊंगा। अब इसकी आवाज़ वो भी चेक करना, इसके व्हील जैसे घूम रहे हैं वो देखना, आगे पीछे आराम से इजीली कर सकते हैं इसके व्हील के कारण। गाइस कारपेट साफ करने के लिए बहुत ही अच्छा है ये, मतलब हर एक चीज़ के लिए अच्छा है। आपने अपने आपके कर्टन हो गए उनको क्लीन करना है वो कर सकते हो, अभी आपने देखा कारपेट मैंने क्लीन करके दिखाया आपको, देता है क्लीन, अच्छा करता है ये, अच्छा प्रोडक्ट है, आप ले सकते हो। वैक्यूम लेना है तो इसके डस्ट को कैसे क्लीन करना है वो बताऊंगा, आप भी वैसे कर लिया करो और आपको वो दिखाता हूं मैं। अब गाइस इसको ओपन कर लेंगे इस डस्ट पैक को, उसके हमने यहां पर हाथ रख लिया और इसको प्रेस किया, ठीक है जी। इसको साइड में रख लेते हैं क्योंकि इसके यहां पर डस्ट और वाटर नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। जैसे आप इसको क्लीन करोगे इसको दूर ही रखें, नहीं तो मोटर ख़राब हो जाएगी आपकी। और इसको निकालने पहले इसको क्लीन करने से कैसे करना है, जो पेंट वाला ब्रश होता है ना इसके लिए स्पेशल रखना है अलग से,
इसको नहीं यहाँ भी पानी से डालकर या किसी पेंट पुन करके वो वाला नहीं, नया लेकर आओ इसी के लिए रखो। और क्योंकि ये होता है थोड़ा सॉफ्ट, इसको आराम से ऐसे क्लीन कीजिए, देखना नीचे कितनी डस्ट आती है। क्योंकि ये कपड़े का है ना, कपड़े का है कि इसलिए थोड़ा सा अगर कोई चीज़ तीखी लगी तो ये फट जाएगा। अगर फट गया तो सीधा आप क्लीन करोगे किसी चीज़ को, वो डस्ट उसके मोटर में चलेगी, वो ख़राब हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, केयर तो थोड़ी करनी पड़ेगी हमें भी, इसलिए वो इसको बाद में उठा लेंगे और यहाँ पर से भी क्लीन हो जाए। और एक और गाइस, अभी तो मैंने थोड़ा सा ही क्लीन किया था, ये डस्ट निकला है। गाइस आपने ना इसको जैसे ब्रश में मैंने साफ़ करके दिखा दिया आपको, ब्रश से आपने साफ़ कर लिया, मान लो कि आप फिर इसको यूज़ करते हो कि मतलब जो उसका सक्शन जो डस्ट खींचने की जो पावर है थोड़ी आपको कम लगती है, ठीक है ना, उस टाइम और जैसे आपने क्लीन कर लिया और उसके बाद आपने इसको कैसे क्लीन करना है वो भी करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। आपने आपने पहले क्या करना है, मशीन को लेना है, इसको बाहर ही रहने देना है, ये इसका ये वाला पोर्शन को आपने अटैच कर देना है, इसको लगा दिया। क्योंकि अब हमने ब्लोवर से इसको करना है क्लीन, क्योंकि जो इसके डस्ट के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो इसके रह गए हैं उनको इसको पूरी तरह से क्लीन करने के लिए हम ब्लोवर से करेंगे। वो कैसे करेंगे वो आपको अभी दिखाऊंगा। और इसको ऐसे अटैच कर लिया, फिर ये वाली नोज़ल आपने करनी है अटैच। अब कर ली अटैच, करने के बाद इसको पकड़ लो पीछे से, स्विच ऑन कर दिया, इसको ऐसे साफ कर लो ब्लोवर से। आपने फिर ऐसे ब्लोवर से साफ़ कर देना है इसको, ये बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा। आप देख रहे हो डस्ट को खींचने की पावर वो फिर सही हो जाएगी जैसे नई थी। मैं वो कारपेट को फिर से क्लीन करके दिखाऊंगा, अब देखना मैं कैसे क्लीन करके आपको दिखाता हूँ, तो देखना कितनी डस्ट। इसके साथ मैंने ये वाली पाइप अटैच कर ली है। अब हम ये हैंकी लेंगे, हैंकी को यहाँ पर कर देंगे ऐसे और इस पाइप को इसके साथ अटैच कर देंगे। ये हैंकी जो डस्ट आप देखना वैक्यूम को बंद कर दिया है। अब हम इसको निकाल कर देखते हैं कितनी डस्ट है, आराम से निकालेंगे। ये डस्ट निकली है, देख कितना अच्छा प्रोडक्ट है। कारपेट क्लीन लग रहा है लेकिन फिर भी कितनी डस्ट, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं डस्ट के कितने हैं, कितना डीपली इसने क्लीन कर देता है ये हर एक चीज़ को। जैसे कारपेट हो गया, गद्दे हो गए, सोफ़ा हो गया, आपकी कार हो गई और कर्टन हो गए, इन सभी को ऐसे डीपली क्लीन कर देता है। आप देख ही रहे हो, आपको लगता है अभी कोई भी चीज़ क्लीन लगती है उसमें ऐसे हैंकी डालो, डाल कर आराम से देख सकते हो कितना अभी भी छोटी छोटी डस्ट। अच्छा प्रोडक्ट है, आप देख ही रहे हो, ले सकते हो आप इसको। और कारपेट का ये कुछ नहीं नुकसान किया इसने, बस इसको यही है कि हम जब भी मैंने ऐसे किया है ऐसे ये इसको निकाल के मत करना, नहीं तो ये देखो ख़राब होगा। ये ब्रश से इसका कारपेट आपका ख़राब हो जाएगा। ये कारपेट के लिए नहीं है ब्रश, ये फ्लोर को क्लीन करने के लिए है, ठीक है। और इसको इसको जैसे आपने यूज़ कर लिया वैक्यूम क्लीनर को, कि हम बस आपने और कुछ नहीं क्लीन करना, आपने सब क्लीन कर लिया है डस्ट, ऐसे इसको साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद आपको पता है आपने यूज़ नहीं करना है इसको, फिर लास्ट टाइम में इसको आपने वॉश करना है सीधा ही, प्रेशर वाले पानी से नहीं,
गलती से प्रेस वाले पानी से मत करना, नॉर्मल तो टैप ऑन करना इसको आराम से, क्योंकि ये कपड़ा है, प्रेशर वाले पानी से मत करना। आपको आगे बता रहा हूँ, थोड़ा सा भी कहीं पर भी आप इसके होल हो गया और मोटर में डस्ट या पानी चला गया, मोटर आपकी ख़राब हो जाएगी। और आराम से सॉफ्ट हैंड से वैसे साफ़ कर देना है, कोई साबुन सुबुन नहीं, सीधा ही पानी से ऐसे यहाँ से प्रेशर वाले आराम से पानी से साफ़ कर दिया। इसको रख देना साइड में, पूरी तरह इसको सूखने देना है। जैसे ये पूरा ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तब आपने इसको यूज़ करना है। और इसको भी आप धो सकते हो, पूरी तरह ये सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो फिर इसको आपने यूज़ करना है आगे, जो आपने क्लीन करना है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। और जैसे आप डस्ट मान लो बहुत ज़्यादा है, तो आप सोफ़ा क्लीन कर रहे हो, कुछ भी क्लीन कर रहे हो, ज़्यादा चलेगा, इसकी मोटर जो है गर्म होगी तो ऑटो कट हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं, ऑटो कट हो जाएगी। और आपने क्या करना है, इसको थोड़ी 20 मिनट के लिए मोटर को ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, रेस्ट के लिए इसको रेस्ट देने देनी है 20 मिनट के लिए, तो फिर आराम से आप फ्रिज इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है गाइस। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, और जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइबर उसको प्रेस करके जाओ यार, वीडियो देख कर मत जाओ, उसको प्रेस करके जाओ और लाइक का बटन क्लिक करके जाओ। अगर जो अपने घर में यूज़ होते हैं प्रोडक्ट्स वो देखने हैं, उनके रिव्यू देखने हैं, मेरी वीडियो में वही रिव्यू मिलते हैं। और आप बेल आइकन को क्लिक कर सकते हो, जो कि मैं नया रिव्यू डालूं किसी प्रोडक्ट का तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आप देख सकते हो, ठीक है गाइस। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और थैंक यू जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ मेरे चैनल को, और नीचे इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर इसको अगर आपने लेना है परचेज कर सकते हो आप।